नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई अन्य कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। काजल ट्रेन की खिड़की पर सिर टिकाए बैठी थी। उसका गमगीन चेहरा देखकर रोहन ने हौले से उसके कंधे को छुआ तो रोहन से नजरें मिलते ही काजल की आंखें आंसुओं से भर उठी। रोहन ने कहा, मैं तुम्हारी मनोदशा अच्छे से समझता हूँ, लेकिन ऐसे समय में तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। काजल ने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। 20 दिनों पहले ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और आज वो शायद हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके से ससुराल जा रही थी, क्योंकि पिता के साथ ही उसका मायका भी हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कहने को तो मायके में उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई दोनों ही थे, लेकिन वो दोनों काजल को एक जरा भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए अब काजल को तो लगने लगा था कि वह मायके तो कभी नहीं जा पाएगी। एक पिता थे जिनके लिए वह कभी कभार मायके चली जाती थी, लेकिन उनका भी प्यार उसे कहां मिल पाता था। अतीत के कटु अनुभवों के कारण उसके पिताजी भी तो उससे कतराए हुए घूमते रहते थे। वो जितने समय भी मायके में रहती थी उतने समय लगता था जैसे वह किसी पराए घर में हो और अजनबियों के बीच जी रही हो। इसलिए काजल को मायके जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। काजल को याद आने लगा कि जब काजल ने शादी से पहले मोहल्ले के एक लड़के से बात की थी तो उसकी सौतेली माँ ने घर में कितना हंगामा मचा दिया था। उन्होंने तो उसे चरित्रहीन तक कह दिया था और पापा ने भी इस बात पर उसकी खूब पिटाई कर दी थी कि मेरी बेटी लड़कों से बात क्यों करती है। वहीं उसका सौतेला भाई लड़कियों को बाइक पर पीछे बैठा कर घूमता रहता था, उसे कोई कुछ नहीं कहता था। अपने ऊपर चरित्रहीन होने का दाग काजल से सहन नहीं हो रहा था। शरीर की चोट से ज्यादा चोट उसके दिल को लगी थी। नई माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसके पंख निकलने लगे हैं, यह हमारे घर की नाक कटा देगी। इससे पहले कि हमारे खानदान पर कलंक लगे, किसी भी लड़के को ढूंढकर इसकी शादी करवा देते हैं, नहीं तो लड़की का मामला है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच कर बैठी तो हम क्या करेंगे। उसके पिता ने भी उसी दिन से उसे कॉलेज भेजना बंद कर दिया था और उसके लिए लड़का ढूंढने लगे थे। उसकी सौतेली माँ कहती, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब घर पर बैठो, चूल्हा चौका संभालना सीखो, ससुराल में यही सारे काम करने हैं तुम्हें। काजल का मासूम हृदय तड़प कर रह जाता। काजल को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि उनकी बेटी उच्च शिक्षित हो, लेकिन यहाँ तो उसके सपनों पर पानी फिर गया था। आखिर उसके मामा ने एक रिश्ता बताया, उसके लिए रोहन का रिश्ता उन्हें उपयुक्त लगा। रोहन ने काजल को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और काजल की पसंद तो कोई मायने ही नहीं रखती थी। जल्दी ही काजल की शादी हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। काजल के ससुराल में सास ससुर और पति ही थे। उसकी एक ननद थी जिसका विवाह हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे। यहाँ काजल की किस्मत ने उसका साथ दिया था। रोहन बहुत अच्छा लड़का था और वो अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। रोहन ने काजल के अधूरे सपने को पूरा करने का निर्णय लिया और फिर से उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। काजल अपनी घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ पढ़ाई पूरी करने लगी, जिसमें उसके पति और सास ससुर भरपूर सहयोग देते थे। काजल को ऐसा लगता था जैसे सास ससुर के रूप में उसे उसके माता पिता ही मिल गए हों। बचपन से वह जिस प्यार के लिए तरसी हुई थी, अब जाकर उसे वह प्यार और दुलार मिल रहा था। वो अपने मामा की बहुत आभारी थी कि उन्होंने इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए सुझाया। आज उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से ऐसा कभी भी महसूस नहीं होने दिया गया था कि काजल किसी और घर की बेटी है। काजल अपने ख्यालों में डूबी हुई थी और देखते ही देखते ट्रेन उसके स्टेशन पर पहुंच गई। 5 घंटों का सफर तय करके काजल अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। उसके सास ससुर अपनी बेटी के यहाँ गए हुए थे। घर में केवल काजल और रोहन ही थे। रोहन ने काजल से कहा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। काजल हाथ मुंह धोकर आई। तब तक रोहन सैंडविच और चाय लेकर आ गया। रोहन काजल से बहुत प्यार करता था और ऐसा पति पाकर काजल तो धन्य हो गई थी। चाय पीने के बाद भी काजल को अच्छा महसूस नहीं हुआ। आज उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। वो आराम कुर्सी पर अधलेटी सी आंखें मूंद कर अपनी जिंदगी के पन्ने पलटने लगी। तभी उसके पास रोहन आया और उसकी गीली आंखें देखकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगा, क्या हुआ जान,
तुम इतना उदास क्यों हो? कौन सी बात है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, तुम्हें अपने पिता से इतना लगाव तो नहीं था जितना कि तुम्हारे चेहरे पर दर्द है। रोहन के पूछते ही काजल बिलख बिलख कर रोने लगी। जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसने सिसकते हुए कहा, मेरे दिल में बचपन से ही बहुत सारे दर्द दफन हैं, जिन्हें मैं आज तक किसी के साथ नहीं बांट पाई। रोहन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारा जीवन साथी हूं ना। बताओ ना, ऐसी कौन सी बात है? काजल ने कहना शुरू किया, बचपन में मैं अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश थी। छोटा सा सुखी परिवार था हमारा। पापा रोज शाम को ऑफिस से आते हुए कभी टॉफी लाते, कभी केक लाते, तो कभी बिस्किट लेकर आते। माँ भी उनके आने के समय से थोड़ा पहले अच्छे से तैयार हो जाती थी और चाय नाश्ते के साथ पापा का इंतजार करते रहती थी। पापा के आते ही घर चहक उठता था, माँ के चेहरे पर भी लंबी सी मुस्कान आ जाती थी। हम सभी एक साथ कितना खुश थे, लेकिन एक दिन मैं स्कूल से आई तो घर पर बहुत भीड़ थी। पता चला कि माँ अचानक ही गुजर गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। माँ ने सुबह ही तो मेरी चोटी बनाई थी, मुझे अपने हाथों से टिफिन बना कर दिया था। मुझे क्या पता था कि अब मैं माँ के हाथों से बना हुआ कुछ भी खाने के लिए तरस जाऊंगी। माँ का स्पर्श मेरे बालों को अब कभी नसीब नहीं होगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि माँ को अचानक से क्या हो गया था। उस समय मैं खूब रोई। उस समय मैं 13 वर्ष की थी। माँ से बिछोह के गम में मैं टूट सी गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। माँ को तो मैंने खो ही दिया था, लेकिन पापा भी मुझ पर ध्यान नहीं देते थे। माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन बुआ जी पापा से मिलने के लिए आई और दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगे। मैंने पापा की आवाज सुनी। वो कह रहे थे, आप सही कह रही हो दीदी, मैं जिंदगी भर अकेले थोड़ी ना बैठा रहूंगा, मैं जरूर दूसरी शादी करूंगा। लेकिन शायद काजल मेरी दूसरी शादी को सहन नहीं कर पाए। तब बुआ जी ने समझाया कि काजल के चाहने या ना चाहने से क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए लड़की देखनी शुरू कर देती हूँ। पिता के विचार जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वह तो माँ को जान से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन अभी साल भी पूरा नहीं हुआ था माँ को गुजरे हुए और वह दोबारा शादी करना चाहते थे। मेरा बाल मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मेरे पिता अपनी पत्नी को इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे। मेरा मन पापा के प्रति घृणा से भर उठा था। उस दिन के बाद से पापा मुझसे रूखा व्यवहार करने लगे थे। मैं जब भी उनके सामने जाती तो वो हमेशा मुझसे डपट कर ही बात करते थे। मेरा कलेजा कटकर रह जाता। मैं हर पल डर के साए में जीती कि पता नहीं पिताजी कब दूसरी शादी करके आ जाए। उस समय वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा डर था। मैंने बहुत गहराई से महसूस किया था कि माँ के स्वर्गवास के बाद से पापा का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा था। एक रात जब मैं पापा के कमरे में दूध लेकर गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि देखो बेटी, मुझे पता है तुम अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देना चाहती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नई माँ आए। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू उतर आए थे, लेकिन पापा ने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की और वह अगले सप्ताह ही अपनी नई पत्नी के साथ घर पर आ गए। मैं नई परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती रह गई, लेकिन मेरी नई माँ ने कभी भी मुझे प्यार नहीं दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, माँ के प्यार के बिना ही जी लूंगी। लेकिन उन्होंने मेरे पापा को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया और मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें जीवन साथी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दूसरी शादी के बाद वो मुझे प्यार देना क्यों भूल गए? नई माँ की बातों में आकर मुझसे दूर क्यों होते चले गए? अपने पापा के अकेलेपन को दूर करने की कीमत मैंने अपने आंसुओं से चुकाई है। भले ही इस बात का एहसास मेरे पिता को ना हो, लेकिन उनकी दूसरी शादी से सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही मिली। कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। रोहन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहने लगा कि मैं मानता हूँ कि तुमने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब अपने प्यार से मैं तुम्हारे हर दुख को भुला दूंगा। काजल भी रोहन के मजबूत कंधों पर सिर टिकाकर आश्वस्त हो गई थी कि अब उसके जीवन में नया सवेरा जरूर आएगा। आज पति के सामने अपने मन का गुबार निकालकर उसे बहुत सुकून मिला था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज वक्त के पास भी नहीं होता है। ऐसे दर्द तो किसी के सच्चे प्रेम से ही कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।